नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटेक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पावर पॉइंट 2010 में पैरालाइक्स इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। पावर पॉइंट हम ओपन करते हैं। ये पावर पॉइंट मेरा ओपन हो गया है। हम स्लाइड को ब्लैंक कर लेते हैं, यहाँ सब सेलेक्ट करते हैं और डिलीट लगा देते हैं। रिबन बार में डिजाइन में आते हैं, पेज सेटअप 4:3 है, इसको 16:9 कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। इंसर्ट में आते हैं, पिक्चर ले आते हैं, ये पिक्चर हम इसमें से ले लेते हैं। ये पिक्चर मैंने ले लिया है। पिक्चर्स को हम स्लाइड के अकॉर्डिंग क्रॉप कर लेते हैं। रिबन बार के फॉर्मेट में, फॉर्मेट खुला हुआ है, क्रॉप में आएंगे, एस्पेक्ट रेशियो और यहाँ लैंडस्केप 16:9 सेलेक्ट कर देते हैं। ये पिक्चर्स मेरी 16:9 हो गई। अब हम इनको स्लाइड के बराबर कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के पश्चात हम शिफ्ट प्रेस किए हुए इसको कॉर्नर से हम इधर मिला देते हैं। अच्छे, दूसरी पिक्चर को भी हम कॉर्नर से मिलाते हुए, शिफ्ट प्रेस किए हुए कॉर्नर पकड़कर हम इधर मिला देते हैं। अब हम ऊपर वाली पिक्चर को नीचे ले आते हैं, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हम नीचे तक ले आए। अब रिबन बार में यहाँ एनिमेशन में आएंगे, एनिमेशन टाइप ओपन करते हैं, नीचे वाली पिक्चर हम सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में आएंगे, यहाँ नीचे है मोशन पाथ, ये नीचे की ओर जा रही है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसको हम अप कर देते हैं ऊपर की ओर और स्लाइड का साइज हम थोड़ा छोटा करते हुए और यहाँ रेड पर क्लिक करते हैं और ये बबल जो वाइट बन गया है इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर और हम ले जाएंगे, जिससे पिक्चर मेरी ऊपर तक सरकती हुई चली जाए। अब हम प्ले करके देखते हैं कि कहाँ तक पिक्चर जा रही है। बस ठीक है। अब इसको हम फिर सेलेक्ट करते हैं एनिमेशन पैन में और इधर यहाँ एनिमेशन पेंटर ले लेते हैं और ऊपर वाली पिक्चर पर हम यही एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। ये पूरी कवर नहीं हो रही है तो इतना सेट करते हैं कि नीचे वाली पिक्चर स्लाइड को पूरा कवर कर ले। यहाँ रेड पे हम क्लिक करते हैं और इस बबल को हम उठा करके और थोड़ा ऊपर सरका देते हैं और इतना सेट करते हैं कि ये पूरी सेट हो जाए। प्ले करके देखते हैं एक बार। हाँ, कवर हो जा रहा है। अब एनिमेशन पैन में राइट साइड दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में आते हैं। ये है स्मूथ स्टार्ट 0 कर देते हैं, स्मूथ एंड 0 कर देते हैं और इधर टाइमिंग में 2 सेकंड है रहने देते हैं अभी। और नीचे वाले को स्टार्ट विद प्रीवियस कर देते हैं। प्ले करके एक बार देख लेते हैं। अब स्लाइड शो भी देख लेते हैं। यह इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार से हम पावर पॉइंट 2010 में पैरालाइसिक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।